स्टूडेंट टुडे वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पीएलसी. ओके, इन क्लासिफिकेशन ऑफ पीएलसी द फर्स्ट विल बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज द यूनिटरी पीएलसी आल्सो कॉल्ड एज शू बॉक्स पीएलसी. ओके, और सेकंड वन इज द मॉड्यूलर पीएलसी और रैक माउंटेड पीएलसी. ओके, एंड देन दिस रैक माउंटेड टाइप will be divided into again three, that is the small PLC, medium PLC and large PLC. okay, this is the classification and these types will be seen in detail. okay, first we see the shoebox PLC. this is the diagram for shoebox PLCs. these are the input terminals, okay, and these are the output terminals. okay, these terminals are common and this is for run. okay, in that shoebox PLC RAM, ROM, CPU and sockets will be there. okay, okay, see in detail, that is it is also known as a shoebox PLC and micro PLC. okay, it has a power सप्लाई CPU एंड लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स. इसमें क्या क्या रहता है, पावर सप्लाई CPU और लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स रहते हैं. ओके, अप टू 20 इनपुट्स रहेंगे और 12 आउटपुट्स रहते हैं. ओके, उसके बाद में क्या है, इट इज मेनली यूज्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में फॉर कंट्रोल ऑफ स्मॉल सिस्टम्स. ओके, इट हैज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर which include the CPU, power supply, input, output. okay, ये इसका जो structure है वो क्या है, compact है, क्योंकि इसमें क्या क्या है, CPU है, power supply है और input, outputs है. okay, और this PLC have a low cost. इसकी cost भी क्या है, कम है. okay, next देखेंगे, next है modular PLC. okay, in that we see the modular PLC, as the name indicates, the modular PLC are one that can be constructed by used in separate modules. okay, ये कैसे construct होते हैं, separate modules करके separate हो गए. okay, separate modules इसमें हम लोग use करते हैं construction के लिए, such as power supply, CPU, input outputs, timers, couplers, ADC, analog to digital converter, digital to analog converter and कॉमन मॉड्यूल्स एक्सेट्रा, इसमें ये सब कंस्ट्रक्ट में रहते हैं. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूलर पीएलसी इज रैक माउंटेड स्ट्रक्चर. ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, रैक रैक में के जैसे रहता है, नोन एज अ रैक और बेस प्लेट. ओके, विथ नंबर ऑफ स्लॉट्स इन विथ दिस स्लॉट इज कनेक्टेड विद द सीपीयू. इसमें जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स रहते हैं रैक के जैसे, और ये जो स्लॉट्स हैं वो किसको कनेक्टेड रहते हैं, सीपीयू को. ओके, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स, मॉड्यूलर पीएलसी आर क्लासिफाइड एज स्मॉल पीएलसी, मीडियम पीएलसी एंड लार्ज पीएलसी. ओके, फॉर अ डिफरेंट मॉड्यूल डिफरेंट स्लॉट्स आर यूज्ड कॉल्ड एज रैक्स. ओके, जो जो हम लोग मॉड्यूल्स यूज करते हैं डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट स्लॉट्स भी हम लोग यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ रैक. ओके, नेक्स्ट है दैट इज द स्मॉल पीएलसी. ओके, स्मॉल पीएलसी में देखो क्या है, स्मॉल पीएलसी हैज अ लिमिटेड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी. इसकी जो एक्सपेंशन कैपेबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है, एंड हैज़ अ लिमिटेड इनपुट एंड आउटपुट. इसके जो आउटपुट और इनपुट भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं. इट हैज़ 20 इनपुट्स एंड 12 आउटपुट्स आर माउंटेड ऑन अ रैक. ओके, 20 इनपुट्स रहेंगे और 12 आउटपुट रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, जो कि रैक पे हम लोग माउंटेड करते हैं. ओके, इट कवर्स द यूनिट अप टू 128 इनपुट्स आउटपुट एंड मेमोरी अप टू 2 किलोबाइट्स. ओके, इसमें जो 128 इनपुट आउटपुट्स रहेंगे और मेमोरी कितनी रहेंगी, 2 किलोबाइट्स. ओके, देन लास्ट है स्मॉल पीएलसी हैविंग अ लेस देन 100 इनपुट्स. जो भी पीएलसी, स्मॉल पीएलसी रहेगी, उसका जो इनपुट्स रहेगा वो लेस देन 100 रहेंगे, एंड आउटपुट आर रेफर्ड एज अ यूनिटरी पीएलसी.
आउटपुट किसको रेफर करेगा, यूनिट रिपेयर्स को रेफर करेगा. ओके, दिस हैव मेमोरी फ्रॉम 2 किलोबाइट टू 10 किलोबाइट. ओके, यूजर प्रोग्राम टू स्टार्ट्स द टू स्टोर द यूजर प्रोग्राम. ओके, ये इसमें जो मेमोरी रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 2 किलोबाइट अप टू 10 किलोबाइट तक हम लोग इसमें क्या कर सकते, यूजर प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट है देखो मीडियम पीएलसी. इसमें क्या है देखो, इट हैव इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू पावर सप्लाई एज सेपरेट मॉडल. इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू है और पावर सप्लाई, इसमें सेपरेट मॉडल में हम लोग यूज करते हैं. विच कैन बी इजीली फिक्स एंड रिमूव फ्रॉम द रैक. हम लोग रैक से इसको इजीली फिक्स या फिर रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज ये कैसे रहते हैं, सेपरेट मॉडल में कनेक्ट रहते हैं. ओके, मीडियम पीएलसी में. नेक्स्ट है, दिस पीएलसी कैन सपोर्ट्स स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल्स लाइक एनालॉग मॉड्यूल, हाई स्पीड काउंटर टाइमर मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल. ओके, इसमें जो है इसमें जो है हम लोग अलग अलग प्रकार के स्पेशल फंक्शंस यूज कर सकते हैं, लाइक एनालॉग मॉड्यूल, हाई स्पीड काउंटर टाइमर मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल. ओके, दिस पीएलसी आर मॉडरेट इन साइज. इसकी जो साइज है मॉडरेट रहती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पीएलसी से. ओके, हैव अप टू 248 इनपुट्स एंड आउटपुट्स रहते हैं इसमें, और मेमोरी जो है इसकी मेमोरी अप टू 32 किलोबाइट्स रहती है. ओके, उसके बाद में लार्ज देखो, लार्ज पीएलसी क्या है, दे हैव अप टू 8192 इनपुट आउटपुट्स रहेंगे, और जो मेमोरी रहेंगी इसकी वो रहेंगी 750 किलोबाइट्स. ओके, दीज आर हाई कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल लो मेंटेनेंस पीएलसी. इसकी जो कॉस्ट है हाई रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगा ये पीएलसी, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी लो रहेगा. ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पीएलसीज एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके, सो थैंक यू.